जनाब वाजिद साहब जनाब वजबी साहब आपका स्वागत होशरा पुलिस स्टेशन सीनियर इंस्पेक्टर खनविलकर साहब के यहाँ वाजबी साहब आजमी और वाजमी में थोड़ा फ़र्क है साहब लेकिन वाजमी बोल रहा है रोजे की वजह से आजमी लग रहा है राजाने साहब हमारे पुराने दोस्त अजय कौल सर को आप भूल होंगे
थोड़ा पीछे देख के। अरे वो नीचे नीचे मामू Thank you.
हेलो, दाइश के पीछे नमाज का इंतजाम है, जो लोग फारिग होते जाए। لا إله إلا الله सर मैं शूटिंग के लिए निकल रहा हूँ, आइए दीजिए, चलिए आ जाइए। दो मिनट गोलू गोलू लेना लेना फटाफट जी, जल्दी कर लो। क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं ओशिवारा के खानविलकर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे ख़ास मौके पर हमें बुलाया है। और इस तरह के जब भी कोई भी मौका होता है तो हमारा ओशिवारा पुलिस स्टेशन खानविलकर साहब इस तरह के जो पावन अवसर होते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और सारे समुदाय के लोगों को इसमें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। भाईचारा, अपनापन, एक दूसरे के साथ खुशी को बांटना और त्यौहार की खुशी को बांटना, इसका यही मकसद है और हम सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सो आई रियली थैंक खानविलकर साहब फॉर दिस एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल माई बेस्ट विशेज टू ऑल आर फेलो मुस्लिम ब्रदरन, यू नो फॉर रोज़ा एंड वेरी एंड ऑल्सो। मुझे बहुत मज़ा आता है इफ्तारी में इनके साथ खाना खाने में, बहुत मज़ा आता है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जात पात पे काफ़ी काफ़ी कुछ होता है इंडिया में, तो इस तरह का पुलिस का इनिशिएटिव देखा? हमारी परवरिश जरा अलग हुई है, हमारी परवरिश गांव छोटे शहर की है। हमारे बेस्ट फ्रेंड वगैरह जो है उनके साथ में मैं ईद मनाता था, उनके साथ इफ्तारी खोलता था, तो मैंने कभी इस लाइन पर कभी सोचा नहीं। अच्छा, कोई एक मेमोरी शेयर कर सकते हैं बेस्ट फ्रेंड की जो आपने बताया? जी जी, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की ये खूबसूरती है कि अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। बागी तुम्हें काफ़ी सराहा देखा जाए तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, इसके बाद क्या क्या है? अभी सत्यमेव जयते आ रही है, मैं और जॉन अब्राहम है उसमें, आगे देखिए क्या होता है। ओके, ईद मुबारक। सभी लोग हिंदुस्तान के लोगों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर सर रेडी, एवरीवन रेडी, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, थैंक यू, थैंक यू। मजा वाला दो, अरे सोलो चाहिए। अच्छा, अरे ये मेट्रो के लिए ना, चलो बस बस रे। अरे तो खाने जा रहे हैं, ये मुझे हमेशा सारे गाँव में भी ये बोलते हैं आप बताओ। बात बहुत अच्छा करते हैं। बाकी मैं नहीं, बेसिकली इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, एक रिलीजियस हार्मनी हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए और ये बहुत अच्छा एफर्ट है सुभाष खानविलकर जी का और पूरे उनकी ओशिवारा स्टाफ का, बिकॉज आई पर्सनली लाइक देम वेरी मच, क्योंकि हमेशा कुछ भी चीज़ होती, चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो या रमज़ान की इफ्तारी हो,
हमेशा एक फ़ोन कॉल आता है या फिर कोई होली पार्टी हो या कुछ भी हो, तो आई थिंक ये रिलीजियस हार्मनी बना के रखना ये एरिया के अंदर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम सब एक दूसरे के भाई हैं और यही मौका होता है जो सबसे मुलाकात हो जाती है, देखो आई मेट माई ब्रदर, बट इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड आई पर्सनली फील दैट this should happen every year and more often and with all the festivals I think it'll be great. What do you think? Yeah, absolutely. I think it's a brilliant attempt. Har saal hota hai aur ye mujhe idhar aake bahut acha laga. Apart from the party waju bhai bhi mil gaye, bhi bahut aur anish bhai bhi mile, sab mile idhar, bahut acha. Ha sab kafi, aap yakin mana actually hamari industry ka bhi aisa hai na, jaise abhi baat ho rahi thi कि रहते हैं वैसे सब एक दूसरे की गली में, मतलब आपस में एक एरिया में ही रहते हैं, लेकिन मुलाकात कई सालों में होती है और जब मिलते हैं तब पता चलता है कि शायद एक साल हो गया या डेढ़ साल। हाँ, वही कैसे टाइम फ्लो हो जाता है पता भी नहीं चलता। कास्ट और रिलीजन के नाम पे काफी कुछ देखने को मिलता है हमें, काफी कुछ सहने को भी मिलता है देखा जाए तो। फिर मुंबई पुलिस के इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रिलीजन कास्ट एक सब एक ही चीज़ है, वी ऑल आर इंडियंस फर्स्ट एंड आई थिंक जो भी जिसका धर्म है वो अपना बिल्कुल प्यार से मनाए और वी शुड बेसिकली वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। या एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट थिंग। ये सब चीज़ों से एक जाहिर होता है कि आप अपने अपने धर्म पे चलिए लेकिन सबकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि रिलीजियस हारमोनी होगी तभी जाके सब एक साथ रह सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं हमेशा हर साल सत्यनारायण पूजा पे जाता हूँ ओशीवरा पुलिस स्टेशन एंड आई रियली फील ग्रेट बिकॉज वहाँ भी सबसे मुलाकात होती है। आज रमज़ान में फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगा है, इंशाल्लाह हर साल आएंगे। हाँ ऑब्वियसली, कैसे वजीद भाई बोले कि ये रिलीजियस जो निज़ामी है वो तो एक्चुअली वो है ही नहीं, वो कहाँ का ये आ जाता है कुछ, आप थोड़ा बहुत कम है जिस तबके में वो भी दूर हो जाए मेरे ख्याल से, और ये सब एफर्ट होगा तो सब दूर हो जाएगा आई थिंक। इस तरह और एफर्ट्स लेने चाहिए देखा जाए तो फिर नहीं, आई थिंक जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और भी होंगे, बट ये तो हर साल होता है ये फिर ये तो ये जो एफर्ट है यार ये तो फील करके फिर ऐसा कोई ऐसा देखिए क्या होता है ना, एस्टैब्लिश करने के लिए हाँ दिखाने के लिए नहीं, ये ट्रू ये कुछ से होता है, मन से होता है, तो जब मन से होता है तो यही होता है, देखिए क्या रोशनी है, सब मजा है, आई थिंक ये सब चीज़ों को सपोर्ट ही करना। हाँ, हम लोग बहुत खुशी से जैसे वाजिद भाई दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वैसे भी ईद के दावत के लिए हम भी वेट करते हैं कि अरे ईद के लिए मतलब बाकायदा बिरयानी का और सब हाँ सब वेट करते हैं कभी आएगा ऑर्डर होता है घर पे लिए एकदम इसी तरीके से दिवाली पे सबके घर पे जाना, दिवाली पे मैं अक्सर सबको विश करता हूँ, सबके यहाँ जाता हूँ तो बड़ा मजा आता है। विश कर दीजिए। हाय, दिस इज वाजिद हियर फ्रॉम साजिद वाजिद एंड आई विश एवरीबॉडी अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी ईद मुबारक। आप सभी को ईद मुबारक एडवांस में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। इधर गए आपको ही ढूंढ। मौजदार बागरा सर, जावेद भाई अपने हाथों से शाल आपको उड़ाएंगे और फूल लेंगे। थैंक यू सर, जोरदार ताली एक बार हो जाए। हवलदार पवार, लेना चाहूंगा मैं सोचता हूँ राजू सर दो अल्फाज आए तो अभी हैं, सोचेंगे बैठने भी नहीं दिया कि मुझे काम पे लगाया, लेकिन इनकी आदत ओशीवरा पुलिस स्टेशन के सारे जो लोग हैं और ख़ासकर जो यहाँ के मेन सीनियर है खानविलकर साहब, अर्जुन रजानी जी और ये सारे लोगों को मैं मतलब बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस्तार पार्टी उन्होंने दी है और ये पहले साल नहीं किया है ना उन्हें,
खनवलकर साहब जो है पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर है ओशिवारा में, और उन्होंने हमेशा इस तरह के प्रोग्राम जो है किए हैं जिससे लोगों में भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, और ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये माहौल पैदा करना जो है वो मुझे लगता है आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, जब नफ़रतें थोड़ी बढ़ती जा रही है, गलतफहमियाँ बढ़ती जा रही है, और ऐसे माहौल में जो लोग अभी इन्होंने बाघाजा पुल से नमाज का इंतज़ाम किया है और इतना शानदार ये प्रोग्राम बनाया है, कितने लोग आए हैं, तो आज सारे रोज़दारों को जो है इन्होंने रोज़ा खुलवाया, बड़ा नेक और सवाब का काम किया है, और बहुत मैंने देखा सारे लोगों को मैं मिला, बहुत खुश हैं बहुत, और सारे लोग बहुत सिमिलर है अपना ओशिवारा प्रोसेशन के सारे जो काम जितने भी हम करते हैं हमारे लोगों से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है और इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम होने चाहिए ताकि जो एक समाज में और एक जो माहौल में एक दुनिया में जो हमारे जो चल रहा है लोगों में प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, और ये जो मुबारक महीना है रमज़ान, ये तो पैगाम यही देता है कि भाई प्यार जो है फैले और दोस्ती फैले और अमन अमान में सारे लोग रहें, तो ये बहुत बड़ी मुझे यहाँ की बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। सारे देखने वालों को मैं अनीस बज़मी की तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। सर एक आईडी दे दीजिए। ओके सर एक आईडी दे दीजिए। आईडी बाइटिंग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये जो है ये ख़ास तौर से ओशिवारा पुलिस की तरफ से जो ये इंतजामात किए गए हैं रमज़ान के लिए, ये बहुत ये अच्छे कदम होते हैं यार, ये अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत भाईचारा बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो माहौल हो रहा है देश में बहुत अजीब से कुछ लोग बातें कर रहे हैं, तो ये जो जोड़ने की बातें जो होती हैं ये ज़रूरी हैं, तोड़ने की बातें नहीं होनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने एक पूजा का इंतजाम किया था, उसमें बुलाया था, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मिलन की बात करती हैं, आई थिंक बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में, ख़ास तौर से आज कल जो बहुत बुरा माहौल फैला हुआ है, तो उन लोगों से जुड़ो जो जोड़ने की बातें करते हैं, उन लोगों से मत जुड़ो जो तोड़ने की बातें करते हैं। आपके स्पीच में भी हमने सुना था, देखा जाए इनसे भी बात होता है, क्या अभी भी इंडिया में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है? देखा जाए एग्जिस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं, अभी तो और ज़्यादा हो गई हैं। हाँ, कहाँ रह रहे तो हो तुम? तुम कहाँ हो यार? तुम देखते हो क्या? उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी वही कह रहे हैं, मैंने वही कहा, वो कर रहे हैं करने दो, हम जो देख रहे हैं और जो उनके साथ जुड़ रहे हैं उनको कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मत जुड़ो जो तोड़ने की बातें करते हैं, उनके साथ जुड़ो जो जोड़ने की बातें करते हैं। सीधे थैंक यू सर। पार्टी में क्या कहना चाहेंगे? बस मुझे बहुत खुशी है कि ये मुबारक महीने में मुझे याद किया गया और मैं आया, सबसे मिला और बहुत मोहब्बत मिली और हंसाया भी थोड़ा बहुत, और लोगों ने बहुत दुआएं दी, और ये तो ऐसा मौका है, ये पूरा महीना ऐसा है कि जितना हम मिले जुले सबसे मोहब्बत बांटें, तो यहाँ आके हमेशा अच्छा लगता है। जो उसी वाला पुलिस स्टेशन जो भी हर साल करते देखा जाए, सत्यनारायण की पूजा हो या फिर ये हो, ईद, क्या कहना चाहेंगे उनके इस इनिशिएटिव के बारे में? ठीक है, अब देखिए पुलिस के लोग भी इंसान हैं, तो वो इस तरह के सब फंक्शन आयोजित करते हैं, तो उनको बधाई देना चाहिए, और वो इस तरह से इफ्तार पार्टी भी अरेंज करते हैं और सत्यनारायण की कथा भी रखते हैं, तो सर्वधर्म संभव वाले लोग हैं, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। कपिल शर्मा के शो में अभी आप रिसेंटली देखे गए, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? नहीं नहीं, कपिल बहुत अच्छा कलाकार है, मेरे सामने ही आया और मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है, तो उसका शो इंशाल्लाह दोबारा आएगा और अच्छे से आएगा, जो अच्छा है उसे अच्छा ही कहना चाहिए, चाहे वो अपना कॉम्पिटिटर भले हो, ठीक है, और मेरी बहुत रिगार्ड करता है, बड़े भाई की तरह ये बहुत है, अल्लाह उसे और नवाजे, क्योंकि उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जो अच्छा कर रहा है तारीफ़ करें, क्योंकि मुझे तो अपने हक का ऊपर वाले ने बहुत दिया, शुक्रिया सर। लेकिन कपिल शर्मा के शो को इस बार पब्लिक ने उतना सराहा नहीं देखा जाता, तो इसके पीछे किसका रीज़न मानते हैं आप? कहीं ना कहीं सुनील ग्रोवर ना होने का रीज़न सभी लोग मान रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं इस चीज़ को?
नहीं नहीं ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं हर एक की ज़िंदगी में, और दोस्तों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अभी उसका नुकसान उठाना पड़ा इस शो को, लेकिन मुझे लगता है कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। सर एक आईडी चाहिए सर।